गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और स्टडी आपकी चल रही होगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंथैल्पी के प्रकारों की। जो विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी होती है उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होती है। अभिक्रिया एंथैल्पी, तो जैसा कि आपको पता है, नाम में पता चल रहा है कि अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी से मतलब है कि ये जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी क्रिया कारक से उत्पाद बनता है और क्रिया कारक से उत्पाद बनने पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे ही हम अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ये कोई क्रिया कारक है, रिएक्ट है, और ये बदला प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसके यहां अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। और इस अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन को डेल आर एच से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रिया कारक की एंथैल्पी। उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रिया कारक, परिवर्तन हुआ अभिक्रिया के दौरान वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहली परिभाषा। अब बात करते हैं दूसरा एंथैल्पी का दूसरा प्रकार। इसी के ये जो अभिक्रिया एंथैल्पी, इसी को मैं लगा दूं मानक, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी। तो देखिए, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी जब ये लग जाएगा, जब इसके नाम के आगे मानक लग गया, इसका मतलब कि कंडीशन अप्लाई हो गई। अब कंडीशन यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे एक वायुमंडल दाब पर किसी भी अभिक्रिया की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा उसे मानक एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी अभिक्रिया के अंदर 298 केल्विन टेम्परेचर और एक वायुमंडल दाब, मानक कंडीशन लग गई 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 180 प्रेशर पर जो भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया का जो अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन होगा, अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी। यानी कि इसके अंदर हम क्या लगा दें, डेल आर एच नॉट, इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, अपन इसे प्रदर्शित करेंगे डेल आर एच नॉट से, ठीक है कि? तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा प्रोडक्ट एच नॉट माइनस सिग्मा रिएक्टेंट एच नॉट, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगली बात समझे, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी, अब देखिए जो गलन एंथैल्पी है इसको प्रदर्शित करते हैं डे, गलन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि गलन, ठीक है। तो इंग्लिश में फ्यूजन का जो फर्स्ट लेटर आप लेंगे एफ यू एस लेंगे, तो ये हो जाएगा डे एक मोल, अपन लिखते हैं एक मोल के लिए होती है ये बात,
पिघलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम गलन एंथैल्पी कहते हैं, और इसे गैस अवस्था में बदलता है, तो उसकी जो एंथैल्पी में
आयोडीन 2 सॉलिड है, आयोडीन ठोस हो गया। आयोडीन कुछ बात कर जलाओ या गर्म करोगे तो ये सीधे ही गैस अवस्था में या बदल जाता है, ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदलता है, अर्थात आई टू जो है सीधे ही गैस अवस्था में बदल गया। तो इसकी जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो हो जाएगा 64.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर एंथैल्पी नंबर 6। 6 नंबर में हम बात करेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी का, मतलब है कि विरचन एंथैल्पी। ठीक है, विरचन एंथैल्पी का मतलब क्या है? विरचन का मतलब होता है बनना, यानी फॉर्मेशन। ठीक है ना, कोई चीज बन रही है कोई भी एक मूल पदार्थ के बनने पर। ठीक है, तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? हम इसे परिभाषित करेंगे कि एक मोल पदार्थ के बनने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे विरचन एंथैल्पी कहते हैं, उसे विरचन एंथैल्पी कहा जाता है। एक मोल पदार्थ के बनने, अब विरचन का मतलब हो गया फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन हम इस एंथैल्पी को प्रदर्शित करेंगे डेल एफ एक्स, मानक विरचन बोले तो नोट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मानक विरचन हो जाएगा, मानक संभावना एंथैल्पी को बोल सकते हो, मानक संभावना एंथैल्पी को बोल सकते हो। तो एक मोल पदार्थ, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक मोल पदार्थ, यानी एग्जांपल 1/2 N2, क्योंकि डी परमाणु है इसलिए एन टू नहीं लिख सकता मैं, ये तो लिख सकता हूं N2+4, तो क्या बनेगा 2N2, लेकिन कितने मोल बन जाएंगे? देखो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं N2+O2, तो ये बनेगा 2N2, ये दो मोल बनेगा। ठीक है, कितने मोल बनेगा? ये दो। और इसकी ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा होती है, इस अभिक्रिया की ऊर्जा, अभिक्रिया की ऊर्जा होती है 180 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, लेकिन हम तो परिभाषा के अनुसार एक मोल चाहिए, यानी एक मोल पदार्थ के बनने पर। तो एक मोल, ये दो मोल बन रहा है, तो एक मोल पे दो मोल पे कितनी लग रही है? 180, तो एक मोल पे कितनी लगेगी? 90। ठीक है, हम लिख देंगे आधा कर देंगे इसको, यानी 1/2 N2+1/2 O2 तब फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल एफ एच इक्वल टू 180 का आधा कर दो 90 किलो जूल प्रति मोल। आगे बात समझ ले, तो ये हो जाएगा आपका संभवन एंथैल्पी। चलो आगे बात करते हैं, और कौन कौन सी एंथैल्पियां हैं, दो चार प्रकार और हैं। हम पहुंच गए हैं 6 नंबर पे, तो 7 नंबर है नंबर 7 दहन एंथैल्पी। अब दहन यानी चलना, तो किसी और ये बोलते हैं इसको कंबशन, तो किसी भी एक मोल पदार्थ के जलने पर, ठीक है, एक मोल पदार्थ के पूर्णतः जलने पर, पूरी तरह से जल गया वो, ठीक है, कोई भी एक मोल पदार्थ है और वो पूरी तरह से जल गया, तो जलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे दहन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दहन एंथैल्पी का होता। अब देखिए दहन एंथैल्पी में जो इसको किसे प्रदर्शित किया जाता है उसके अगर बात करें, तो दहन का मतलब कंबशन, कंबशन का मतलब हो गया सी, तो डेल सी एच से इसको प्रदर्शित करेंगे। एग्जांपल देखिए, ये कार्बन है एक मोल, मैंने इसको जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है चीज, तो ये बनेगा CO2। तो इसकी जो दहन एंथैल्पी होगी वो होती है ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है माइनस में 395.7 किलो जूल प्रति मोल इसकी दहन एंथैल्पी होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 8 नंबर। 8वां प्रकार क्या है? ये है आपका कण एंथैल्पी। कण एंथैल्पी, यानी कणों में
या यूं भी कह सकते हो कि कोई यौगिक है जो अपने अवयवी परमाणुओं में टूट जाए, अपने परमाणुओं में टूट जाए कहने का मतलब जिनसे वो बना है उन परमाणुओं में टूटता है, ठीक है, नहीं तो वो कण एंथैल्पी कहलाता है। हम एक मोल को लेकर इसको परिभाषित करेंगे कि एक मोल पदार्थ कौन, एक मोल पदार्थ जब अपने अवयवी कणों में अवयवी परमाणुओं में टूटता है तो जो एंथैल्पी होती है वो कण एंथैल्पी होती है और इसे एटमाइजेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी होता है एक तो बी परमाणु जिसे F2, तो अब F2 का मतलब
दूसरी मान लीजिए अणु ये है HOH H2O जल H2O, तो इसमें टोटल दो बॉन्ड बन रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, औसत आबंध एंथैल्पी। तो औसत आबंध एंथैल्पी हम आपको पहले ही टूट गया एक बॉन्ड ये वाला, तो जब ये टूटा वो बना ये, ठीक है ना। तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी। फर्स्ट बॉन्ड जब टूटता है तो अभी इस समय जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी, ये होगी